वो आ गया है। 10 रुपए का चाट मेरे लिए था, मैंने खा लिया। बच्चे तो पेट भरे था, और इसकी छोटी छोटी लापरवाही से देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। वो देखिए, बेटी का 4 महीना से स्कूल में एडमिशन हो गया है, कंटिन्यू स्कूल जा रही है, लेकिन ये फी नहीं जमा कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ से तगादा नहीं आ रहा था, ठीक है, मतलब इसको बोला नहीं जा रहा था कि फीस भरी है। तो अभी इसका क्या करें अम्मा, आप उस जगह से इस जगह क्यों आ गए? आपको डर नहीं लगता है क्या? मच्छर नहीं काट रहा वहाँ पे? एक ढेरी मच्छर का झुंड है वहाँ पे, आपको मच्छर ही नहीं काट रहा? तो बेटा पानी पटाने का टेंशन फिर से शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी इतना है ना, तो ये सब बड़ा एक ला ना जल्दी दो और ला उधर से ला। लेकिन उधर पटा रही है यार, देखिए कितना हवा हुआ चलने लगा तुरंत, मतलब इतना ज्यादा ये हो रहा ना। हाँ राधे राधे दोस्तों, ब्रज चोरी से ब्लॉग में आप सभी का आप सभी का स्वागत है। दिव्यांता भी साहब ने वरदाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बहुत थक गई काम करते करते। पिछला ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि मैं जस्ट उठा रही थी, उसके बाद का भी ब्लॉग बना रही हूँ। अभी जस्ट नहाई हूँ, देखिए शाम हो गया, रात हो गया, इतना टाइम हो गया था, अभी भूख लगी। सगुन को भी बराबर काम करी है, तो गई है बोनविटा लेने के लिए। दूध गर्म ही है, शाम को मैंने किया था। देखिए साफ आंखों में दिख रहा है हरासमेंट, इधर हाथ वाथ पूरा दर्द कर रहा है, और मैं तो काम खाना नहीं बना पाऊंगी। अभी वो आएगा ना तो उसके उसको भगवान आंखें तो दिए हैं, लेकिन उसको चीज़ें भी नहीं दिखती हैं। मतलब मैंने वहाँ से सारा डस्ट उठा दिया, लेकिन उसको कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखेगा, कुछ नहीं। उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। पता नहीं क्यों विवाह किया था मेरे से, क्या किया था, इतना मुझे हटा दिया कि मत पूछिए। इतना तो मैं शायद कभी काम नहीं करती जितना शादी करने के बाद, बच्चे करने के बाद इस हाल में मुझे करना पड़ रहा है। क्या बहुत ही अच्छा नहीं लगता? कभी कभी सोच सोच के अजीब लगता है कि जो इंसान इतना बड़ा बड़ा बात करता था, भाषण मारता था, इतना तरह का, इसको नेता में खड़ा होना चाहिए था। सच्ची बता रहे, नेता ही रहता ना, क्योंकि सिर्फ झूठ बोलना आता है इसको। और आज उसका मुझे ना कल ही एक और कांड पता चला है, जो मुझे इसको लगता ना कि मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, मेरी किसी से बातें नहीं होती है, तो मैं इसके बारे में नहीं जानूंगी कि ये कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। मगर कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे और अच्छे होंगे ना, तो भगवान आपको बता ही देते हैं कि क्या है नहीं है। इसका सारा बात मैं जान जाती हूँ, सारा सब कुछ पता चल जाता है मुझे, तब जा करके इसको रियलाइज जो करती हूँ ना, तो इसका फट जाता है। और कुछ लोगों को ना मेरा जो रेते सुनते होंगे ना, तो सोचते कितनी बदतमीज औरत, अपना पति का बेइज्जती करती है। भैया हमको नहीं चाहिए, हमको यही करके सुकून मिलता, हम तो यही करेंगे। मेरे लाइफ में हम इतना ही अपनी गलतियों से सीखे हैं, मतलब जितनी भी गलती दोहराए हैं हम पहले जो भी है, चाहे मजबूरी में, चाहे सिचुएशन जैसा भी है, बट गलती जो भी उनसे मैं यही सीखी हूँ। इज्जत किसी को उतनी ही देनी चाहिए जितना का वो हकदार हो। अगर किसी को भगवान बनाते हैं ना और खूब ज़्यादा इज्जत देते हैं ना, बेइज्जत करके अगला इंसान निकल जाएगा, वही है। एक वक्त में मैं अपने पति को पूजती थी, बट मेंटेनेंस नहीं करने आया, शायद इसको वो इज्जत नहीं चाहिए था जो मैं दे रही थी। अब जो करती हूँ उससे इसको अच्छा लगता है। तो सगुन खुद से अपने लिए और अपने भाई का गिरा बेटा, गिरा गिरा, ये दूध देखता है ना और कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो हाँ ले लो बेटा, हाँ लो गर्म है दूध पियो। तो सगुन खुद से ही लेके आई बोनविटा मिला के। बेटा दूध गिरा दिया ना यहाँ, थोड़ा फिनिश करो जल्दी। तो काम करते करते इसको भी भूख लगी, गिरेगा गिरेगा, अरे बाप रे, गिरा ही दिया, अभी ना चादर चेंज किए। हाँ देख रहे हैं, यही सब होता है, चीटी लग जाएगी ना। और ये वाला बेडशीट चेंज कर दिए, क्योंकि जो पहले से बिछाए थे कल रक्षाबंधन में। बैठो, पहले बैठो, मैं दूंगी, बैठो 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 बैठो, पकड़ो। हाँ तो वो वाला सारा द काउ ईट्स ग्रीन ग्रास एंड वेजिटेबल, यस द काउ हैड अ हैज नहीं हैड नहीं हैज हां द ईट हैज टू आईज एंड टू इयर्स, इट हैज टू हॉर्न्स, हां और वो इट हैज टू लिम्ब्स, मतलब क्या होता है लिम्ब, लिम्ब मतलब कुछ होता है, रुकन भूल गए हम भी, अंकल आंटी बता देंगे। पूछ होता है हां
लॉन्ग टेल। तो ये वाला चादर इसलिए बिछाया ना क्योंकि वो वाला चादर जो बिछाए थे तो चारों तरफ से छोटा था तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो आ गया है, 10 रुपए का चाट मेरे लिए था, मैंने खा लिया, बच्चे तो पेट भरे था। और इसकी छोटी छोटी लापरवाही से देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। वो देखिए बेटी का 4 महीना से स्कूल में एडमिशन हो गया है, कंटिन्यू स्कूल जा रही है, लेकिन ये फी नहीं जमा कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ से तगादा नहीं आ रहा था, ठीक है, मतलब इसको बोला नहीं जा रहा था कि फीस भरी है। तो अभी इसका सितंबर आ गया महीना, 11 तारीख से टेस्ट है, तो उसके लिए मैसेज आया था कि जितना भी फीस ड्यू है सबको जमा करना है तभी एग्जाम में बैठेगी। तो अभी 3,500 का बिल भरा है, ठीक है। तो मतलब आदमी इसी तरह नुकसान होता है, अगर महीने महीने डाल देता तो अभी ये एक बार नहीं करना पड़ता ना, तो फिर हम लोग का बजट नहीं गड़बड़ाता, सब चीज़ में हम लोग को परेशान कर देता है। पहले से लापरवाही करेगा, लास्ट में खाना पीना हमारा नहीं, सब घटेगा हमारा। इसका क्या है, बाहर निकलेगा मुंह पे ताला तो नहीं लगाता होगा, पॉकेट में पैसा है मांग। हाँ समझ गया ना, सुधर जाओ, ये सब चीजों से सीख लो कि तुमको नहीं भुगतता है। हमको बच्चा बिस्किट का मांग हमसे करता है खाने के लिए, दिन भर हम देखते बच्चों को, अपना मुंह में पेट में तो ताला मार लिए, इनका क्या करे। सगुन भी मेरे साथ उठ गई है, बाबू भी उठ गया है सुबह सुबह। आजकल मैं जब उठती हूँ तो किसी उठ जाता है, हमको बोलता है मत जाइए ना मत जाइए ना, और खूब रोता है। लेकिन हम बोलते हैं बेटा नहीं जाएंगे तो तुम्हारी दीदी स्कूल कैसे जाएगी। के लिए बना रहे हैं बैगन का पकौड़ा। क्या सगुन? बाय बाय, राधे राधे, बाय शिशु, बाय लड्डू। बाय सगुनवा। सगुन स्कूल से आके खाना खा ली, पढ़ाई कर ली, और अभी झाड़ू लगा रही थी थोड़ा सा, क्योंकि पेंसिल इरेजर शार्पनर ये सब यही साफ करती है ना, उसके बाद गंदा हो जाता है। चुपके से वीडियो बना रही हूँ, बाद में इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, देख रही हूँ कैसे कैसे करती है, क्या कर रही है, बैक बैक से बेचारी कितना हो पा रहा कर रही है। चलिए दिखाते हैं अभी मम्मा क्या कर रही है। देखिए अंकल आंटी हमको चप्पल पहन ले दीजिए, ये जो कपड़ा है वो किसु का ही है। मम्मा क्यों खोद रहे इसको? हाँ? क्यों खोद रहे इसको? मन लग रहा है सब फूल तोड़ना है क्या? हाँ? फूल तोड़ना है क्या? नहीं बोर हो रहे ना। हुँ? तो यहाँ पे एक साथ हम लोग ढेर सारा लगाया थे ना इसको बड़ा करने के लिए। हाँ। तब तो काफी बड़ा हो गया है ना। हुँ? तब इसको कहीं जगह पे लगा देंगे तब ना फूल खिलेगा सगुन। वैसे भी यहाँ पे थोड़ा कम ही मिट्टी है। हाँ। क्योंकि नीचे से सॉलिंग किया हुआ है, सीमेंट और ईटा लगाया हुआ है नीचे से। देख लीजिए अंकल आंटी हम जैसा बोल रहे ना वैसे ही आप लोग को ईट। वाह वाह मम्मा देखिए अंकल आंटी कितना बड़ा हो गया। इसमें ढेर सारा है, सबको अलग अलग जगह पे लगा देंगे तभी खिलेगा। एक जगह भी लगा सकते हैं। हाँ। चलो रखो। और ये क्या कर रहे हैं आप? उस जगह से इस जगह क्यों आ गए? आपको डर नहीं लगता है क्या? मच्छर नहीं काट रहे वहाँ पे? एक ढेरी मच्छर का झुंड है वहाँ पे, आपको मच्छर ही नहीं काट रहा? जिसको क्या काटेगा आदमी, सगुन आदमी काट लिया उसको और क्या काट सकता है बता। यहाँ पे कर रहे ना क्योंकि यही लेकिन गिराना माता टूट जाएगा सब। अभी जाके बारिश होना शुरू हुई है थोड़ा थोड़ा, और गड्ढा इधर कर लिए हैं, 3 किए हैं उधर, 2 है और एक दो कहीं देखेंगे। रुको इसमें नहीं करना है भगवान, 3 आंटी दी थी वही वाला फूला ना इतना बड़ा हो गया, सब देखिए जड़ हो गया सब एक ही में, इसको अलग नहीं करिएगा ना तो मजाल इसमें फूल आएगा। तो उधर फूल लगा लिए सब 3-4, अब 2-3 बचा है उसको यहाँ पे लगाएंगे। तो अच्छा अच्छा जो फ्रेश फ्रेश था उसको यहाँ के लिए बचाया है, तो 2 जगह डिवाइड करेंगे, 2 को लगा देंगे। कमाल देखने का कितना ज्यादा फैलता है, नहीं फैलता है। 3 गए उसमें। अच्छा।
तो बेटा पानी पटाने का टेंशन फिर से शुरू हो गया क्योंकि गर्मी इतना है ना, तो ये सब बड़ा एक लाना जल्दी दो और लाओ उधर से लाओ खींचो, तुम लोग तो फंसा दियो बाबू, ऐसा ऐसा खेलते रहता है ना, छुड़ाओ। तो इसको निकालेंगे मिक्सर वाला, और बहुत ये सब डर वाला काम है लेकिन रिस्क वाला। एक दिन आग लग गया था, पापा थे उसी दिन स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे पूरा लग गया आग, डर से मारे हालत खराब हो गया मेरा। मगर क्या बोलेगा आदमी, इतना सभी लापरवाही करता ही है, आया होगा तब ना। चलो सगुन, चलो तुम लकड़ी है ना मकई वाला, उसको उठा दो, भींग जाएगा, हटाओ वहां से सबको। इतना मच्छर काटा ना पूरा लहर रहा है, बड़ी मुश्किल से आए यहाँ पे तो पहले, फिर वहां पे घुमाए, वहां पे बहुत कंफ्यूजन रहता है किधर करे किधर करे। उठ ना बेटा जल्दी से, लपेट सब एक ही बार, सब ऐसे करो ना दोनों हाथ से, वो सब रखे हैं ठंड में जलाने का काम आएगा। अरे बाबू तुम ना उठा ना सगुन, उठा उठा रखते थे डायरेक्ट या स्लैब के ऊपर रखो, यहाँ किचन के ऊपर, यहाँ पे उधर साइड में रखो, उधर टीना तरफ। हाँ अच्छा से, हाँ बस बस धकेल मत दो। हाँ तुम्हारा स्लीपर है, जाओ रखो घर में। ऐसे तो मौसम हो रहा है बादल का, लेकिन बारिश होगी कि नहीं इसका गारंटी नहीं है, इसीलिए पानी पटाएंगे क्योंकि चार दिनों से पांच दिनों से पूरा गर्मी बहुत तेजी से है ना, तो सारा पौधा मेरा मरा जा रहा है। जब अगर पानी नहीं निकला ना पाइप से तो फिर हमको उठना पड़ेगा, उठना। आवाज तो कर रहा है, यहाँ से भी आवाज कर रहा है। हाँ पानी आ गया, सारा पौधा ना एकदम सूख गया था चारों तरफ। अब बाबू ब्रश डाल दिया था पाइप में, देखिए ब्रश निकला जैसे पानी ऑन किए। आज सुबह मेरा ही ब्रश है, आज सुबह जैसे हम ब्रश करने जाते हैं पता चलता मेरा ब्रश नहीं है, इतना फालतू पेरता है ना कि क्या बोले। हम इधर पटा रहे हैं चारों तरफ। क्या हुआ, ठंडा पानी है। हाँ तो सगुन उधर पटा रही है, देखिए कितना हवा हुआ चलने लगा तुरंत, मतलब इतना ज्यादा ये हो रहा है ना। हाँ उधर कच्चू तरफ दो, और वो पौधा लगा ना छोटा छोटा नाला लगाया उस में डालो। हाँ बहुत अच्छा लग रहा, अभी हवा चल रही है, पेड़ तो पूरा खत्म कर दिया साला, सब कैटरपिलर का काम है। भागो किसु, भाग के बंद करके आओ स्विच, जाओ जल्दी दौड़ दो स्विच ऑफ करो। तुमने उठाना, भीग जाओगे। ये मानेगा ही नहीं, अरे बंदर। और इसको थोड़ा सही से करेंगे, बारिश का हुआ ना तो गिर गया। बंद कर दे बेटा, धीरे धीरे कोशिश करो ना, वहां वाला भी ऑफ कर दो तो। हाँ रूम वाला बेटा खा रहा है, बता रहा आप लोग को कि खा रहे बोन बिटा। क्या खा रहा है बेटा? बोन बिटाओ। आप लोग खाते है बोन बिटाओ? पूछो, दिखाओ टीट, दिखाओ टीट, दिखाओ। सड़ा हुआ टीट, कौन बिटाओ है। सगुन अंदर बोन बिटा बना रही है, वही बाबू एक चम्मच लेके भागा, हम बोलेंगे दूध टोस्ट खा लो अभी, रात पी लेना बोन बिटा, तो उसको बोल कहना कि नहीं अभी ही पियेंगे, तो दूध तो ठंडा ही है, गर्म करने भी नहीं दी, पी रही है। ये खुश हो गया दूध देख के, चलो एक जा, अरे गिरा दोगे बाप रे हमको, जाओ एक तुम पकड़ो, गिराना मत, चलो पियो। अभी जाके हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी बहुत मन ना बोर हो जाता है, एकदम कुछ करने का मन नहीं करता। आज सीरियसली कुछ भी काम नहीं किए हैं, एकदम इच्छा नहीं है, बहुत अजीब लग रहा है, एक्साइटमेंट नहीं है कुछ भी। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। और कभी कभी आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा, कभी कभी ऐसा माहौल ही चलता है, हवा ही चलता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अभी थोड़ा हवा चल रहा है, चेहरे पे लग रहा है तो ठीक लग रहा है। अभी बर्तन धोना बाकी है, बाय बोलो बच्चे लोग, बाय बाय अंकल आंटी।